व्यवस्था विवरण अध्याय 23, यहोवा की सभा में प्रवेश निषेध। जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुक्रम से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमना हेरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुम्हें शाप देने के लिए दक्षिणा दी। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था, तू जीवन भर उसका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी से गणना न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी गणना न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा। उनके जो परपोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाए। छावनी को शुद्ध रखना। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आपसे आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, और वही दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खनती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए कि तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। अन्य नियम। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तुम उस पर अंधेर न करना। इजरायलियों स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इजरायलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर न देना। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने के तू जाने को तू जा रहा है, वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए, उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो उसे पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा कोई पाप नहीं, जो कुछ तेरे मुँह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तो अपने मुँह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रख। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खेत में खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना।